हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और 18 जुलाई 2021 वो दिन जिस दिन जोधपुर डिवीज़न में इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य की नींव रखी गई थी, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का शुभारंभ गीतिका पांडे जी के द्वारा किया गया था, जो कि जोधपुर के DRM है। और 18 जुलाई 2021 को जो है बासनी स्टेशन पर पोल्स के लिए फर्स्ट चैम्बर की खुदाई करके इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य की शुरुआत जोधपुर डिवीज़न में करी गई थी। और इसके ठीक 8 महीने 10 दिन बाद यानी कि 28 मार्च 2022 को जो है जोधपुर डिवीज़न के जोधपुर मारवाड़ रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS संपन्न हुआ था, मतलब CRS इंस्पेक्शन कम्प्लीट हो गया था। एंड आज लगभग एक हफ्ता हो चुका है CRS इंस्पेक्शन लिए हुए जोधपुर मारवाड़ रूट का। एंड अभी जोधपुर की जनता को बस इस चीज़ का इंतजार है कि कब आखिर जोधपुर मारवाड़ रूट पर फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। एंड जोधपुर से जुड़ी हुई वो कौन सी पहली पैसेंजर ट्रेन होगी जिसको जोधपुर मारवाड़ रूट पर पहली बार इलेक्ट्रिक लोगों के साथ चलाया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर से करिएगा। एंड इन फ्यूचर अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड अपडेट्स देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हमारे मेन टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि जोधपुर मारवाड़ रूट पर फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब से चलाई जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल के काफी पुराने व्यूवर हैं और आप काफी टाइम से मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको जरूर से पता होगा कि जब जयपुर दिल्ली रूट पर और जयपुर सवाई माधोपुर रूट पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी, या फिर मैं कहूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चलाने से पहले इस रूट का जो है इलेक्ट्रिक फ्रेट ट्रेन चला के इनॉग्रेशन किया गया था रेल मिनिस्टर साहब के द्वारा। और अभी तक NWR में जितने भी रूट इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं तो उन पे सबसे पहले जो है फ्रेट ट्रेन ही चलाई गई थी शुरुआत में, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन को चलाने की मंजूरी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जोधपुर मारवाड़ रूट पर भी ऐसा ही होने वाला है। सबसे पहले तो जोधपुर मारवाड़ रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए इस रूट का सबसे पहले इनॉग्रेशन किया जाएगा, उसके बाद इस रूट पर शुरुआती दिनों में फ्रेट ट्रेन चलाई जाएगी इलेक्ट्रिक लोगों के साथ में, और तब कहीं जाकर इन सबके बाद हमको जोधपुर मारवाड़ रूट पर पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन देखने मौका मिल पाएगा। तो इस सब के लिए जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे ही जोधपुर मारवाड़ रूट का इनॉग्रेशन होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए और फ्रेट ट्रेन अगर इस रूट पर ई लोको से चलाई जाती है तो उसके बाद आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन भी जल्दी इस रूट पर आपको चलती हुई दिखाई देने लगेगी। एंड अब बात करें कि वो कौन सी पहली ट्रेन होगी जिसको जोधपुर से लेकर मारवाड़ के बीच में या फिर जोधपुर से अहमदाबाद के बीच में इलेक्ट्रिक लोको दिया जाएगा, तो अभी तक तो सब ऐसा ही बोल रहे हैं कि जो सूर्यनगरी एक्सप्रेस है उसको सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक लोको दिया जाएगा जोधपुर तक। लेकिन क्योंकि सूर्यनगरी एक्सप्रेस जोधपुर सुबह जल्दी अंधेरे में अराइव होती है एंड रात को भी ये 7:30 बजे मतलब शाम को 7:30 बजे ये अंधेरे में डिपार्चर लेती है, तो अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इसकी टाइमिंग की वजह से ऐसा ना हो कि सूर्यनगरी को ही सबसे पहले जोधपुर से ई लोको से चलाया जाए, क्योंकि जोधपुर से जब भी किसी पैसेंजर ट्रेन को पहली बार इलेक्ट्रिक लोको दिया जाएगा तो DRM खुद जो है फ्लैग ऑफ करेगी, यानी कि हरी झंडी दिखा के पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को जोधपुर से रवाना करेगी। और क्योंकि सूर्यनगरी एक्सप्रेस रात को 7:30 बजे डिपार्चर लेती है जोधपुर से, तो ऐसा हो सकता है कि रात को 7:30 बजे इसको हरी झंडी दिखाना पॉसिबल ना हो। तो इन केस अगर ऐसा होता है तो जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा इलेक्ट्रिक लोको देने के लिए, क्योंकि जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस सुबह डे लाइट में डिपार्चर लेती है जोधपुर स्टेशन से, तो ऐसे में जो हरी झंडी दिखाने वाला कार्यक्रम है यानी कि फ्लैग ऑफ वाला जो कार्यक्रम है वो भी पॉसिबल हो पाएगा डे लाइट में। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर फ्लैग ऑफ दिन के टाइम पे होता है तो जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस, और अगर रात के टाइम भी फ्लैग ऑफ हो सकता है तो सूर्यनगरी एक्सप्रेस को सबसे पहले इलेक्ट्रिक लोको दिया जाएगा जोधपुर स्टेशन से। बाकी मेरे फ्लैग ऑफ वाले स्टेटमेंट को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है कि सूर्यनगरी एक्सप्रेस को मिलेगा या फिर जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस को मिलेगा पहली बार जोधपुर से ई लोको, तो आपके जो भी विचार है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और मैं बोलना चाहूँगा कि इतना ही था मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके बाद मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई इंटरेस्टिंग अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।